वहाँ बिना साचा और बिना किसी झंझट के आज हम हलवाई जैसे एकदम खस्ता और क्रिस्पी, हलवाई जैसे स्वादिष्ट गुजिया बनाएंगे, जिसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है खाने में ये कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और होली आने वाली है तो हम सभी के घर पे गुजिया तो बनेगी ही। तो चलिए मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही आसान सी गुजिया की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1.5 कटोरी मैदा डालेंगे और अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से आपकी गुजिया बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने घी डाल करके इसे हाथ से अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे मैदा हमारा एकदम ब्रेड क्रम की तरह बन जाएगा। और आप देख सकते हैं मैदे को यहाँ मैंने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से मिक्स किया है और मैदा हमारा एकदम क्रम्बली हो गया है। और अब हम इसके इस तरीके से लड्डू बांधेंगे तो ईजिली मैदे का लड्डू बन जाएगा। तो हमें इसे इतना ही मिक्स करना है। और अब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे। यहाँ मैंने 1 छोटी कटोरी में 1 कटोरी पानी ली हूँ और मैदे में हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथों से इस तरीके से अच्छे से हम इसे मिलाते हुए हम इसे हल्के हाथों से गूंद लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी का यूज़ की हूँ। हम इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मैदे का अच्छे से डो लगा के तैयार कर ली हूँ। और अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। और अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें 1/2 कटोरी या 1/2 कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालकर हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मूंगफली को सेम कटोरी या प्लेट में हम निकाल लेंगे और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और सेम पैन को एक बार फिर से हम गर्म होने के लिए रखेंगे। पैन हमारा गर्म है तो हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सूजी का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैं जमे हुए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेल्टेड घी का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच घी डालें। और अब हम घी डालकर इसे भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही सूजी के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक सूजी हमारी भून रही है हम 1/2 कटोरी चीनी लेंगे और 1 छोटा वाले मिक्सर का जार लेंगे। जार में हम चीनी डालेंगे और इसमें 4 छोटी इलायची डालेंगे। इलायची से इसका बहुत ही बढ़िया चीनी में फ्लेवर आता है। और अब हम चीनी को पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल महीन पीस लिया है। और अब हम सूजी को भी चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं सूजी में बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। सूजी को भूनते हुए मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हुए हैं और सूजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट भुन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ मैंने मूंगफली के अच्छे से छिलके को निकाल लिया है और मूंगफली को हम सूजी में डालेंगे। सूजी में डालकर हम इसे सूजी में मिक्स कर लेंगे और पीनट या मूंगफली से गुजिए में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अब हम सूजी में 8 से 10 किशमिश डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डालेंगे और बारीक कटे हुए हम इसमें आलमंड डालेंगे। और अब हम इसमें ग्रेट किए हुए नारियल डालेंगे। यहाँ मैंने सूखे नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और नारियल हमारा बिल्कुल नारियल पाउडर के जैसा बन गया है। तो अब हम इसे सूजी में डालेंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच भुने हुए सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल आप जरूर डालें, इससे गुजिए का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम पैन में इन सभी इंग्रेडिएंट को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को आप ज़्यादा ना भुने, नहीं तो इसका फ्लेवर थोड़ा कड़वा होने लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट को सूजी में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और हमारा सूजी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें पिसी हुई 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी में ही ग्राइंड करते समय यहाँ मैंने इलायची
डाल दी थी। अगर आप इलायची पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस टाइम पे इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दें और चीनी डालकर हम इसे भी पैन में अच्छे से सूजी और ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और आप चीनी की जगह इसमें जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये गुजिया बहुत ही बढ़िया और फ्लेवरफुल बनेगी। और अब 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर ले और ये हमारा हलवे वाला प्री मिक्स भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसका गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए आटा भी हमारा अच्छे तरीके से रेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से 1 मिनट के लिए गूंद करके चिकना कर लेंगे और अब हम इसके इस तरीके से 2 पार्ट में लोई तोड़ लेंगे और एक लोई को हम साइड में रखेंगे और एक लोई को इस तरीके से चकले पे डालकर हम इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे हम इसका। और अब हम चकले के ऊपर इसे रख करके एक नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू से इसके छोटे छोटे पोर्शन में हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से आप इक्वल पोर्शन में कट कर लेंगे तो आपको गुजिया बनाते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अब हम इससे सारे कट को अलग कर लेंगे और आप देख सकते हैं सारे के सारे अच्छे से अलग हो गए। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और चलिए अब हम गुजिया बनाने के लिए एक लोई लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे और चकले पे रखेंगे और अब हम बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से बेल लेंगे। और अगर आपको लगे कि डो चिपक रहा है तो आप इस पे सूखा आटा या मैदा भी लगा सकते हैं और हम इसे पूड़ी के शेप में बेलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे पूड़ी के शेप में बेल ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हाथों पर लेंगे और इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच सूजी वाला स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालकर हम अब करेंगे कि एक कोने से इसे अच्छे से दबा लेंगे और स्टफिंग को हल्के हाथों से दबाते हुए मैदे को हम दोनों छोर से अच्छे से इस तरीके से दबा लेंगे। यहाँ हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है तो इसके लिए यहाँ मुझे पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब हम क्या करेंगे कि एक कोर से इस तरीके से हम अंदर की तरफ इसे दबाएंगे और इस तरीके से दबाएंगे तो इसका बिल्कुल हलवाई जैसा परफेक्ट गुजिया का शेप आ जाएगा। और हलवाई भी इसी तरीके से गुजिया बनाते हैं और इनका हलवाई का भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से गुजिया बनता है और आप देख सकते हैं गुजिया का शेप बहुत ही बढ़िया आया है। और अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और सेम तरीके से हम और भी गुजिया बना लेंगे और गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बिना स्टैंड के मैं आपको और एक तरीका बता रही हूँ जिससे भी आपका गुजिया बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा ही बनेगा। और आप देख सकते हैं मैंने गुजिया को अच्छे से सील कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से कांटे वाला चम्मच लेंगे और इसके किनारे को अच्छे से दबाते हुए हम इसे डिज़ाइन देंगे। और आप देख सकते हैं कांटे वाले चम्मच से भी गुजिया का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया आया है, बिल्कुल सांचे के जैसा आया है। तो दोनों तरफ से हम हल्के हाथों से दबा देंगे जिससे दोनों तरफ से इसमें बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बहुत ही बढ़िया और हलवाई जैसा गुजिया बन के तैयार हो गया है। तो सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे गुजिया बना करके तैयार कर ली हूँ और यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम एक एक करके गुजिये को धीरे से तेल में डालेंगे। तेल में डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे गुजिया हमारा अच्छे से अंदर तक पकेगा और इसका ऊपर लेयर बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो हम एक एक करके गुजिये को पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी गुजिये को पलट दे रही हूँ। गुजिये को हम सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और आप गुजिये को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल में हम इस तरीके से निकाल करके इसे जाली वाले छन्नी पे रखेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे अच्छे से छान ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे प्लेट या थाली में निकाल लेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगी और फिर आप इसे स्टोर करके 1 महीने के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हैं गुजिया हमारा बहुत ही बढ़िया और फ्लेवरफुल बनी है।